न्यूज पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 175 अंक गिरकर 59,288 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 73 अंक टूटा, ये 17,392 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोमवार को सराफा मार्केट में सोना 185 रुपए कम हुआ। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 55,520 रुपए रहा। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 55,705 रुपए रही। चांदी के दाम 798 रुपए लुढ़के, एक किलो चांदी का भाव 63,227 रुपए दर्ज हुआ। एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को 470 विमानों का ऑर्डर दिया। एयर इंडिया के सीईओ कैम्बेल विल्सन के अनुसार इस डील की वैल्यू 70 अरब डॉलर यानी 5.8 लाख करोड़ है। एयर इंडिया को एयरबस 250 और बोइंग 220 विमान देगा। एयरबस इसी साल के आखिर तक विमानों की डिलीवरी भी शुरू कर देगी। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की। कर्नाटक के बेलगावी से 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में किस्त ट्रांसफर हुई। 13वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है।